हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप लोग ये लेक्चर देख रहे हो, ठीक है। हेलो टू ऑल, आज का अपना टॉपिक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। लास्ट टाइम अपन ने आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन किया। अब सबसे पहले बात की जाए बॉइलिंग पॉइंट होता क्या, पहले समझो, फिर अपन डेफिनेशन को थोड़ा डिस्कस करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट जैसे मैंने क्या किया, वाटर को सपोज मैंने पानी लिया और इसको मैंने क्या किया, बॉइल करने लगा, ठीक है। अपन को पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री क्या होता है, सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, अब क्या होता है कि ऊपर भी तो एयर या फिर एटमॉस्फेयर में डस्ट और मॉइस्चर अवेलेबल है, ये पार्टिकल्स ऊपर होते हैं, तो ये पार्टिकल्स ऊपर एयर में जो अवेलेबल है वो इस पर क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, वो इसलिए ताकि पानी जो है इजीली, वाटर जो इजीली वेपराइज नहीं हो सकता। अब धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, 90 होगा, 95 होगा टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर और अंदर के लिक्विड का वाटर जो है इक्वल प्रेशर लगाए, इससे जैसे ही साफा होगा 100 डिग्री पर वो दोनों आपस में एक दूसरे में जितना प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उतना ही वाटर उस पर प्रेशर लगा रहा है, दोनों प्रेशर क्या हो गए, इससे ज्यादा डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे जैसे ही, तो वाटर क्या होगा ऊपर की तरफ वेपराइज होना स्टार्ट होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अब डेफिनेशन की बात की जाए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, कोई भी लिक्विड होता है, हर एक लिक्विड, अपन इस चैप्टर में सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे, आइदर इट इज अ सॉल्वेंट और समथिंग एल्स, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है या सॉल्यूशन हो सकता है, कोई भी लिक्विड, हर एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, वाटर का अलग होता है, मिल्क का अलग होता है, टेम्परेचर और प्रेशर के फिक्स फेज में, इस द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द, ये वेपर का प्रेशर बन रहा है और ये इसके बराबर हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, तो किसको रिप्रेजेंट करता है, बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। नोट डाउन कर लो डेफिनेशन, सीधी सी डेफिनेशन है, जब दोनों प्रेशर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, इसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा अब एक चीज समझो, मैंने क्या किया, मैंने वाटर के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल जो वेपराइज नहीं होगा, जैसे कि मैंने वाटर के पार्टिकल्स थे, ये सॉल्वेंट है, प्योर वाटर है, अब मैंने क्या किया, इसके अंदर कुछ पार्टिकल जो है सपोज सॉल्ट के डाल दिए, सॉल्ट के डाले के शुगर लेते हैं, शुगर के कुछ पार्टिकल्स डाले, शुगर क्यूब डाल दिए, तो एक बात बताओ, अब शुगर क्यूब के बीच में कल अपन कोई अपना राउंड शुरू आ गया, शुगर क्यूब के बीच में आगे स्पेस स्टॉप कर लेंगे तो इजीली वेपराइज नहीं होगा, क्योंकि ये क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस, मतलब इजीली वेपराइज नहीं होगा, तो सॉल्वेंट जल्दी वेपराइज होगा और सॉल्यूशन क्या होगा, लेट वेपराइज होगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहां पे ब्लॉक करने वाले पानी के पार्टिकल्स ऊपर नहीं आ पा रहे, तो इन्होंने क्या कर दिया, सपोज शुगर पार्टिकल्स ने क्या कर दिया, इसको ब्लॉक कर दिया, तो सॉल्वेंट, अच्छा कंडीशन क्या थी कि अगर शुगर जो है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मान रहे हैं, कौन सा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मान रहे हैं, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या करेगा, उसको ब्लॉक कर देगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, जो था उससे पहले क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको, वाटर को बॉइल करने के लिए, तो सॉल्वेंट जब मैं वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाता हूं, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में हमेशा सॉल्वेंट, क्यों, पार्टिकल फ्री थे, इजीली वेपराइज होता है, सॉल्यूशन क्या होगा, थोड़ा प्रोसेस का हो जाएगा, सॉल्यूशन का स्लो हो जाएगा, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, अपना ज्यादा वेपराइज हो रहा है, इससे ज्यादा वेपर प्रेशर जनरेट हो गया, कम वेपर प्रेशर जनरेट हो, ये किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वेपराइज हो रहा है, ठीक है, तो सॉल्वेंट इसको ऐसे बनाएं, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया, इस लाइन को अगर ऐसे एक्सटेंड कर दें, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने क्या कर दिया, ब्लॉकेज कर दिया, तो अपन को टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा, तो इस तरीके से सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में वापस लिखा हूं, सॉल्यूशन का कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है, वेपर प्रेशर की बात करें, अच्छा सॉल्वेंट के लिए इसको प्योर फॉर्म में है, इसलिए इसको पीबी नॉट, कल अपन ने प्योर फॉर्म में प्रेशर की बात की थी, तो अपना क्या बोले थे, पी नॉट, वैसे ही प्योर फॉर्म में क्या हो जाएगा, पी
डीपी नॉट इम्प्योर फॉर्म है, सॉल्यूशन फॉर्म में क्या हो जाएगा इम्प्योर। अच्छा इन दोनों का डिफरेंस, वो डिफरेंस जो मैंने सॉल्यूट डालने के बॉइलिंग पॉइंट में आया या बॉइलिंग पॉइंट में, देखो अपनी हेडिंग क्या है एलिमिनेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जब सॉल्वेंट को मैंने सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया बाय द एडिंग ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो क्या हो गया बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। यही अपनी आज का मुद्दा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जब भी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इंक्रीज हो जाता है। ये वाला डायग्राम क्लियर है, इसको जो है इन दोनों के डिफरेंस को जो है डेल्टा टी बी से काउंट करते हैं, डेल्टा टी बी डिफरेंस बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। देखो इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है, ये ग्राफ एग्जाम में आपको बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखनी है, कंपलसरी पेंसिल से ग्राफ बनाना है। तो डेल्टा टी बी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इसी को सूत्र क्या हो जाएगा ज्यादा माइनस कम टी बी माइनस टी बी नॉट, या फिर इसको बोल देंगे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और ये क्या हो जाएगा आप लोगों का सॉल्यूशन माइनस एलिवेशन इन बॉइलिंग। हर एक देखो हर एक लिक्विड का एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर क्या हुआ ब्लॉकेज हो गया, मैंने आपको समझा दिया, आप चाहो तो इसको वर्ड्स में लिख सकते हो कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर इजीली या वेपराइजेशन का प्रोसेस क्या होता है स्लो हो जाता है, इसके लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है सॉल्वेंट से ज्यादा, इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट बात है आज के मुद्दे में। ये वाला आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, अगर डिफरेंस पूछे कि क्या एलिवेशन हुआ तो आप लोग को ये निकालना है, क्वेश्चन में एक बार क्या पूछते हैं आपको सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना, तो आपको ये निकालना पड़ेगा तो यहां से सबट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं या फिर सॉल्वेंट का पूछ सकते हैं। अच्छा जब वाटर की बात करते हैं तो उसमें आपको कभी भी बॉइलिंग पॉइंट नहीं देते, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये वाली बात इस पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है या फिर ये नेक्स्ट टॉपिक में रिलेट करता है, आई होप यू आर क्लियर। अच्छा एक्सपेरिमेंट ही का ऑब्जर्व किया गया, अब इसमें सब क्वेश्चन इसका एक्सपेरिमेंट ही दे रखा है कि जो डेल्टा टी बी होता है एलिवेशन जो हुआ सपोज 100 से 110 तो 10 डिग्री का डिफरेंस होता है वो स्मॉल m व्हिच इज कॉल्ड मोलैरिटी, मोलैरिटी के क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल के जैसे हम बनाएंगे डेल्टा टी बी एक कांस्टेंट आ जाता है kb into m, kb को क्या बोलते हैं ध्यान रखना, बट एक बार एग्जाम पूछा गया फाइंड द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, kb को आप लोग क्या बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या एलिवेशन कांस्टेंट, क्या बोलते हैं मोलर एलिवेशन, क्या बोलते हैं मोलर एलिवेशन। ये वाली बात नोट कर लो, डेल्टा टीबी क्या होता है डेल्टा टीबी इज टू टीबी माइनस टीबी नॉट, डेल्टा टीबी इज टू केबीएम सिर्फ कर दू तो थोड़ा डेफिनेशन आप लोगों ने लिख दी होगी। ये वाला ग्राफ मैंने आपको समझा दिया है पर ग्राफ कंपलसरी बनाने का है, देखो मुझे टीबी की भी पता करनी है, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबीएम मोलैरिटी, अब मोलैरिटी क्या होती है मोल पर किच, ठीक है ये उधर चला जाएगा तो देखो केबी क्या हो जाएगा एक तरीके से डेल्टा टीबी अपॉन एम, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई और इसकी होती है केल्विन, तो क्या हो जाएगा केल्विन किलोग्राम, यूनिट मल्टीप्लाई हो गई केल्विन किलोग्राम पर, ये किसकी यूनिट हो गई केबी की मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट की यूनिट, यूनिट नोट कर एग्जाम में वाला क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट, इट इज केल्विन किलोग्राम पर मोल, ओके ये वाला टॉपिक समझ में आ गया। अब देखो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, कर रहा हूं डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबीएम, ठीक है डेल्टा टीबी क्या होता है केबी तो फिक्स होता है, एम क्या होता है डब्ल्यू, कल आपने कह रहा वेट ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो W2 अपॉन M2 इनटू W1 मल्टीप्लाई बाय
होता है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एंथैल्पी क्या होता है, जहां पर चेंज इन एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर, बेसिकली समझ लेना एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। कोई भी लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो इसे मोलर एंथैल्पी बोल सकते हैं या एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसे, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। आप लोग भी वाला फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला दे रखा है, सिर्फ क्वेश्चंस कभी दिए हुए नहीं है, इसलिए बस M1 याद रखना, आगे गैस कांस्टेंट, वॉल्यूम पर सॉल्वेंट, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी हमारे कांसेप्ट में से था, थर्मोडायनेमिक्स में था, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन गिव्स फ्री एनर्जी से कहलाता है। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, जब लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो चेंज इन एनर्जी की बात करते हैं वहां पर बेसिकली समझ लो एंथैल्पी होता है मल्टीप्लाई बाय। तो आप लोग एक क्लियर फार्मूला और दे रखा है, सिर्फ क्वेश्चंस नहीं है, फार्मूला बुक में दे रखा है तो आपको आइडिया होना चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, कुछ क्वेश्चंस बुक से करते हैं, कुछ एग्जांपल्स करते हैं। आई होप यू बात समझ में आ गई होगी। अब देखो आगे की बात की जाए बच्चों, समझ में आया बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक बार छोटा सा जस्ट वापस रिवीजन, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जहां पर बॉइल होना लगे लिक्विड कोई भी क्या करे स्टार्ट कर दे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो, ठीक है। फिर नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस बॉइलिंग पॉइंट होता है रिड्यूस होता है, इसलिए डेल्टा टीपी का देखा, ठीक है। और डेल्टा टीपी जो होता है वो मोलैरिटी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, डेल्टा टीपी क्या होता है एपीएम, केवी क्या होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। फिर केवी का एक फॉर्मूला अपन ने देखा, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन दे दी और अपन ने वाला ग्राफ दे दिया, सीधा सा पढ़ना है। अब इससे कुछ क्वेश्चन कराए जाएंगे, इससे पहले आपको कराया जाएगा एग्जाम्पल 2.7, ठीक है। एग्जाम्पल 2.7 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ग्लूकोज दे रखा है, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। मैं क्वेश्चन की सिर्फ वैल्यू दे रहा हूँ, आप लोगों को क्वेश्चन को प्रीफर करना है टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 2.7, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H6H12O6, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 180, इसी क्वांटिटी की दे रखी है W2 कितना दे रखा है आप लोगों को 18 दे रखा है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, डिसॉल्विंग 1 kg ऑफ वाटर, यानी कि W1 कितना दे रखा है आप लोगों को 18, ठीक है। और क्या दे रखा है, एट व्हाट टेंपरेचर बॉइलिंग एट 103 विल वाटर बी 10.103। तो देखो इन्होंने क्या दिया है आप लोगों को, डिफरेंस दे रखा है डेल्टा टीपी 0.01 मोलैरिटी एंड क्वेश्चन बोल रहा है एट व्हाट टेंपरेचर, अच्छा प्रेशर दे रखा है, प्रेशर का मतलब नहीं है, फिर भी एट व्हाट टेंपरेचर वाटर बॉइल्स एट 1.013, ठीक है। फॉर वाटर इज 0. अच्छा केवी जो दे रखा है आप लोगों को, केवी के लिए दे रखी है 0.52 वाटर के रिस्पेक्ट में, केल्विन किलोग्राम पर मोल। आप लोगों को क्या निकालना है, व्हाट टेंपरेचर वाटर बॉइल्स, अब वाटर लेवल जनरली कितने में बॉइल होता है 373.15 पे एक्जेक्टली बॉइल होता है। देखो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केवी एम, सबकी वैल्यू एम की वैल्यू लिख रहा है, डब्ल्यू टू अपॉन एम टू इंटू डब्ल्यू वन और मल्टीप्लाई बाय वेट कितना दे रखा है, एक पानी कितना था 1 kg ऑफ वाटर था, 1 kg आएगा, डब्ल्यू वन जो आएगा वो 1 kg आएगा, तो इसमें 1000 करने की जरूरत ही नहीं। डेल्टा टी भी निकालो, डेल्टा टी भी कितना होगा, के वी की वैल्यू 0.52, डब्ल्यू टी की वैल्यू 18 अपॉन 18 और ये हो जाएगा 18 से 18 10, ये इसको शिफ्ट कर देंगे, ये हो जाएगा डेल्टा टी भी, डेल्टा टी भी ऊपर जाके एक डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा विच इज 0.052। और कुछ नहीं होगा, लेट मी चेक, 0.052 आ रहा है, डेल्टा टी भी आ रहा है, ठीक है। ये आप लोगों का कैलकुलेशन आ रहा है। अब देखो वाटर का टेम्परेचर डेल्टा टी भी क्या होता है, डेल्टा टी भी होता है टीबी माइनस टीबी नॉट। आपको क्या बोला, दोबारा क्वेश्चन सुनो कि इतना ग्राम सोडियम मैंने उसके अंदर वाटर के अंदर डिजॉल्व किया गया, तो आप लोगों को सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। तो मैंने क्या किया, पहले डेल्टा टी भी निकाला, डेल्टा टी फॉर्मूले से निकाले, बट डेल्टा टी भी इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब हमको पता है कि डेल्टा टी भी वैल्यू 0.052, अच्छा
ये टीवी जब उसको निकालना है और प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है एग्जैक्टली प्योर फॉर्म में 373.15 केल्विन होता है। आपके पास अगर इसको बदल लेना तो टीवी इज इक्वल टू 373.15 प्लस 0.052 सॉल्व करोगे 220 0.373 केल्विन। यानी ये जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हुआ वो कितना आ रहा है 373.202 एग्जैक्ट आ रहा है। नोट कर लो, आई होप मेरे पास समझ में आ गई होगी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस। कुछ नहीं है वैल्यू दे रखी आप लोगों को, बस क्वेश्चन देखो यही हर बार वो चेंज नहीं पूछता, कई बार वो सॉल्यूशन का बदल आपको यहाँ पे डेल्टा टीवी ना आता है और डेल्टा टीवी इज जस्ट टीवी माइनस टीवी होता है। अब सॉल्व करो टीवी को मैं क्या किया सॉरी टाइम बदल लेगा टीवी निकल गया सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकल गया वो बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ वैल्यू लिख रहा पूरा क्वेश्चन से अच्छा वैल्यू लिखे क्वेश्चन को तुम्हें रीड आउट करना ज्यादा बेटर होगा। फिर जब भी अपने जूम सेशन होंगे अपन उसको डिस्कस कर लेंगे, किसी को डाउट होगा तो देख लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे की बात सिमिलरली एग्जाम्पल 2.8 कुछ नहीं है इसके अंदर दो दो चीजें दे रखी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन दे रखा है एक तरीके से मतलब टीबी नॉट प्योर फॉर्म में दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन हाँ 353.23 केल्विन क्वेश्चन में। फिर आप लोगों को दे रखा है 1.8 ग्राम W2 जो दे रखा है 1.8 ग्राम ऑफ 80 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट डिसॉल्व इन 90 ग्राम मतलब W1 जो है वो 90 ग्राम बेंजीन जो होता है C6H6 होता है तो 12.72 हाँ बेंजीन क्या होता है C6H6 होता है बेंजीन दे रखा है बेंजीन जो होता है C6H6 होता है ये 72 प्लस 8 6 सॉरी 78 आ रहा है इसका मॉडल मास बेंजीन बोला है C6H6 78 आ जाएगा ठीक है बेंजीन का मॉडल मास जो हो जाएगा वो 78 बुक्स में शायद आप लोगों को कुछ और दे रखा हो वैसे बेंजीन मॉडल मास नहीं होता है क्या जरूरत है नहीं बेंजीन मॉडल मास की जरूरत ही नहीं बेंजीन के मॉडल मास की जरूरत ही नहीं आप लोगों को क्या निकालना है और के भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है 2.53 दे रखा है और बॉइलिंग पॉइंट रेज टू कि ये प्योर फॉर्म में था और टीबी आपको क्वेश्चन दे रखा है 354.11 केल्विन ये वाली वैल्यू आप लोगों को क्वेश्चन में दे रखी है ठीक है। अब आपको क्या निकालना है आप लोगों को निकालना है वापस क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों को बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन प्योर फॉर्म में दे रखा है फिर उसका क्वांटिटी W2 वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है W1 वेट ऑफ बेंजीन दे रखा है केवी दे रखा है टीवी दे रखा है आप लोगों को मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मतलब क्या निकालना है आप लोगों को M2 निकालना है। तो देखो पहले डेल्टा टीवी क्या होता है टीवी माइनस टीवी नॉट इम्प्योर माइनस प्योर तो दे जाएगा 354.11 माइनस 353.23 0.88 आप लोगों को क्या निकालना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा KB W2 मल्टीप्लाई बाय 1000 डेल्टा टीबी और वैल्यू जो देते हैं इसको यहाँ पर केबी के लिए रखिए जनरली देखो वाटर के स्ट्रक्चर में 0.52 2.53 W2 कितना दे रखा है 1.80 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन डेल्टा टीबी आया 0.88 केल्विन और W1 वेट ऑफ बेंजीन जो दे रखा है वो दे रखा है आप लोगों को सॉल्व करोगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट
नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास आ जाएगा। आई होप यू आर बात क्लियर होगी। एम टू इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने का रहा है बुक के अंदर 58 ग्राम सॉल्व कर लेना, कुछ नहीं। तो इस तरह में इसमें इसी तरह के एक या दो क्वेश्चन ये बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं, जो दो थे वो मैंने करवा दिए। इसके अलावा एक इंडेक्स क्वेश्चन है वो आप लोग खुद ट्राई करना है, बहुत उसमें वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं, आप तुम लोग कर सकते हो। अपने बॉइलिंग पॉइंट देखा, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, फिर क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्लास में अपन डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रॉम माई साइड, ऑल द बेस्ट।